हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं मेरे बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं कैसे यूट्यूब में आई और कौन था मेरा इंस्पिरेशन यूट्यूबर बनने के लिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाई पर्सन हूँ। मैं कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब नहीं थी। अभी तो बस कैमरा मेरा एडिक्शन हो गया, मतलब अभी तो कैमरा ऑन कर दो बस और मेरे को बिठा दो, ऐसी टाइप हो गई हूँ मैं। मेरे को इतना ज़्यादा बात करना, इतना फ़ोटो खींचना, रील्स बनाना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक चीज़ मेरे को अच्छा लगता है, वो है डांस करना। और अगर मैं घर में हूँ, म्यूज़िक ऑन है, तो पूरा दिन मैं डांस करती रहूँगी करती रहूँगी। चाहे कुछ भी गाना हो, कुछ भी स्टेप हो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक डांसर हूँ, मैं बहुत अच्छा अच्छा स्टेप देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे को डांस करना अच्छा लगता है, पागलों की तरह नाचते रहो नाचते रहो ऐसा। मैं जब घर में रहती हूँ पूरा दिन ऐसे निकल जाती हूँ, मेरा डांस करो, ये करो, ऐसे फिर मस्ती करो हस्बैंड के साथ। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ऐसे एक दिन बैठे थे, तो उन्होंने बोला तुम एक काम कर सकते हो, तुम यूट्यूब में चैनल ओपन कर लो। मैंने बोला मैं और यूट्यूब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ब्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को इतना बात करना अच्छा नहीं लगता है, और कैमरा ऑन तो मैं पूरा म्यूट हो जाऊंगी, मेरे को कैमरे के सामने कुछ नहीं करना अच्छा लगता है। बोला नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर पाओगे, तुम ट्राई तो करो एक बार, देखो तुम कर पाओगे। तो मैंने बोला लेकिन क्या कॉन्टेंट डालो, ऐसे थोड़ी होता है यूट्यूबर बन गए कुछ नहीं है और यूट्यूबर बन गए। बोले नहीं, तुम एक काम करो, तुम तो डांस करते हो घर में पूरा दिन, ऐसे ही डांस का कुछ वीडियो डाल सकते हो, और मैं एक टीचर भी हूँ। तो बोला तुम एक काम कर सकते हो, तुम टीचर का जो टीचिंग मेथड होती है वो भी डाल सकते हो। तो फिर ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत ही ज़्यादा, नहीं तुम कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। फिर मैंने स्टार्ट कर दी यूट्यूब, और अभी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तो यूट्यूब मेरा एडिक्शन बन गया, मतलब मैं पूरा एडिक्टेड हो चुकी हूँ। मतलब पूरा दिन मेरे को अच्छा लगता है यूट्यूब के लिए वीडियो शूटिंग करना, यूट्यूब के लिए ब्लॉगिंग करना, फिर मेरा डांस वीडियो अपलोड करती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद का रील्स खुद देखती हूँ, अच्छा लगता है मेरे को, और खुद का डांस वीडियो मैं खुद ही देखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है। और अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप यूट्यूब में हो, यूट्यूब में कुछ भी कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपका जो लाइफ स्टोरी है वो सच दिखाना चाहिए। झूठा दिखा के क्या फ़ायदा है, कैमरा के सामने एक और पीठ पीछे एक, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं इतना अच्छा एडिटिंग भी नहीं कर सकती थी, और बातें करने का तरीका तो भूल जाओ, इतना अच्छा बातें भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा, और अभी भी करते हैं कि नहीं तुम लगे रहो, एक ना एक दिन तुम बहुत अच्छे से एडिटिंग कर पाओगे और बहुत अच्छे से बातें करना भी सीख जाओगे। और ये जो तुम्हारा, तुम बोलते हो शाई हूँ, ये भी एक ना एक दिन कट जाएगा, बस लगे रहो लगे रहो। तो बस मैं भी करती हूँ, और मैं बोली ना, मैं अभी पूरा एडिक्टेड हो चुकी हूँ, अभी बहुत अच्छा मेरे को फील होती है यूट्यूब में काम करना। और मैं तो रात में सोने के टाइम भी सोचती हूँ कल क्या मैं वीडियो डालूँ, कल क्या कंटेंट क्रिएट करूँ, ऐसे टाइप। तो गाइस, अगर आपको भी यूट्यूबर बनना है, तो आप भी मेरे जैसा लगे रहो, एक ना एक दिन तो ज़रूर आपको कुछ मिलेगा। एंड थैंक यू, एंड कीप सपोर्टिंग मी। Thank you.